हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन की घंटी है वो भी प्रेस कर दो ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, फाइनली मैंने देख लिया है गधे जैसे दिखने वाले सूरज कुमार का BMCM का ट्रेलर रिव्यू। दोस्तों, तो यार सूरज कुमार बोले तो यूट्यूब के किंग कहते हैं। कुछ चुतिया हमारे आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, बोलते हैं यार उससे बेटर तो वो सूरज कुमार है, तू छपरी है वगैरह। तो यार आज हम सूरज कुमार को ही चलो डिसेंट बता देते हैं, और मैं खुद एक छपरी हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ कि मैं छपरी ही हूँ। भाई आप लोग छपरी बोलते हो तो मैं छपरी ही सही, कम से कम एक टेक तो मिला मेरा छपरी का। लेकिन सूरज कुमार का रिव्यू देखने के बाद तो यार मैं एक ही वर्ड बोलूँगा उस बंदे के लिए, भाई सुधर जा या गुजर जा। बड़े में छोटे में अगर ट्रेलर के बारे में उसने जिस तरीके से नेगेटिव रिव्यू दिया है ना भाई, लिटरली बोलो ना, ये अपने आप को अक्षय कुमार का फ़ैन बोलता था। यही गेटी गैलेक्सी में आता था आज से 5 से 6 साल पहले, और क्या कहता था कि मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इधर घूमते रहता था, उसको मीडिया वाले पूछते भी नहीं थे, और जाके वो बड़े बड़े चैनल वाले को बोलता था भैया मेरा रिव्यू ले लो ना, भैया मेरा रिव्यू ले लो ना। जी हाँ, उसका ये राज है, आज खोलूँगा मैं उसका राज। बहुत सारे राज है उसके यहाँ पर जो आके घूमता था, और जिस तरीके से वो रिव्यूज़ देने के लिए छटपटाता था ना, उस तरीके से है आज उसका छटपटाहट यहाँ पे निकालूंगा मैं। भाई इस बंदे को ट्रेलर अच्छी नहीं लगी, अलिया पर जफर का डायरेक्शन अच्छा नहीं लगा, ट्रेलर जिस तरीके से काटा वो अच्छा नहीं लगा। भाई ये साउथ की मूवी होती है ना भाई, साउथ की मूवी ये ना उसको चाटता, ऐसा ऐसा करके चाटता वो। भाई ये सच्ची बोल रहा हूँ यार, ऐसे चाटता वो। अरे मेरे भाई, ट्रेलर में तुझे और क्या चाहिए भाई, पूरी पिक्चर दिखाएगा तेरे को ट्रेलर में। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को छोटा पार्ले जी बड़ा पार्ले जी बोल रहा है भाई, खुद शक्ल देखना भाई, गुड्डे बिस्किट तेरे से अच्छे दिखते हैं, खुद का शक्ल देख जिस तरीके से तू बोल रहा ना, छोटा पार्ले जी बड़ा पार्ले जी। अबे चुतिए, इंडस्ट्री में 30 साल से अक्षय कुमार है, तू अभी अभी पैदा लिया, 9 लाख मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं तो चलो अच्छी बात है, 9 लाख सब्सक्राइबर हो गए वो भी अच्छी बात है, लेकिन इतना गंदा तरीके से सब्सक्राइबर लपेट रहे हो, व्यूज़ कमा रहे हो, अरे सुधर जा भाई मेरे। मतलब कि यार हद होता है यार, किसी चीज़ का हद होता है। जिस तरीके से वो नेगेटिविटी फैला रहा है, मुझे ऐसा लगा था कि शायद टीजर इसको अच्छा नहीं लगा होगा, ट्रेलर में कुछ अच्छा बोल देगा, लेकिन ये बंदा सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। लिटरली बोलो, मैं अभी ट्रेलर लॉन्च में ही गया था, कुछ अक्षय कुमार के फैंस आए हुए थे गुजरात से औरंगाबाद से और बाकी सब सिटी से आए हुए थे। कुछ एक फ़ैन मेरे को मिला, उसने बोला यार सूरज कुमार दिखेगा कहाँ, सोचो इस लेवल का ये बंदा है कि इसको फैंस ना ढूंढ रहे कि मिलेगा कहाँ। अरे यार तेरे गांड में दम है, तू गेटी आएगा या कहीं और जाएगा, फैंस के बीच तू घूमेगा नहीं, क्योंकि तू जिस तरीके से नेगेटिविटी फैलाता ना बॉलीवुड की फिल्मों को लेके। अरे भाई मानता हूँ कि यार ट्रेलर में एक्शन सिक्वेंस बजट को लेके उन्होंने कहीं बड़ी बात कही है कि हाँ 350-400 करोड़ बजट है। यार आप देखोगे तो Tiger 3 का बजट बताया जा रहा था 350-350, अगर इसका बजट तू बोल रहा है कि 350 बजट नहीं है तो Tiger 3 को तो नहीं बोलना चाहिए था कि वो भी बजट 350 करोड़ नहीं है, क्योंकि जिस लेवल का इन्होंने ट्रेलर में दिखाया एक्शन सिक्वेंस शूट वगैरह जहाँ पे किया पता भी चल रहा है यार। लिटरली बोलो यार, इसका रिव्यू देख के ना इरिटेट हो गया हूँ मैं अंदर से, ऐसा लग रहा है ये बंदा अभी मुझे मिल जाए ना, मैं तो कुछ करूँगा नहीं मैं। लेकिन अक्षय कुमार को फैंस को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, तुम लोगों ने इसको सर पर चढ़ाया भाई, आइए तुम्हारी स्टार की जो बजा रहा है ना, या टाइगर श्रॉफ के फैंस को भी बोलना चाहूँगा, जो तुम्हारी स्टार को आज ये बजा रहा है ना बंदा, इसके पीछे ना तुम फैंस का सबसे बड़ा हाथ है। तुम दोनों के फैंस ना इसको सर पर चढ़ाया है, और आज देखो ये आग मूत रहा है तुम लोगों के सर पर चढ़ के, देखो किस तरीके से पिलाई कर रहा है। छोटा पार्ले जी बड़ा पार्ले जी बोल रहा है भाई अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को, रिपोर्ट मारो उसके चैनल पर जाके यार, कोई ऐसा भद्दा लैंग्वेज बोलता है क्या किसी सुपरस्टार के बारे में। भाई लेजेंड एक्टर है अक्षय कुमार, जब ये दुनिया में आया नहीं था ना अक्षय कुमार ना, उस वक्त सुपरहिट फिल्में देते थे, एक्शन सिक्वेंसेस करते थे, हेलीकॉप्टर पर लटकते थे, ये बंदा सिखाएगा अक्षय कुमार को। खैर जो भी हो, कुछ चुतिया मेरे को ही उल्टे बोलेंगे छपरी है, और मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बोल दिया था भाई हाँ मैं छपरी हूँ। कोई डाउट है तुम लोगों को, नहीं डाउट है ना, तो ठीक है, तुम लोगों के लिए सूरज होगा डिसेंट आदमी, लेकिन उस चुतिया इंसान है समझे ना, जिस तरीके इतना नेगेटिव नहीं फैलाता कोई भाई, जिस तरीके से उसने बजाई है मूवी का ट्रेलर को। खैर यार मेरा जो दिल का भड़ास था मैंने निकाल दिया, बस ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।